नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शाहिल। आपने लॉगिन किया है इंडिया समाचार। अगर आपको हमारी टीम की मेहनत पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कर हमें और हिम्मत दें, धन्यवाद। चूरू सांसद राहुल कस्बा आज चूरू दौरे पर रहे। इस दौरान सांसद ने अटल सेवा केंद्र में जन सुनवाई करते हुए लोगों की परेशानियां सुनी। इससे पूर्व सांसद ने चूरू भलरी के बीच निर्माणाधीन स्टे हाईवे का भी निरीक्षण किया और ब्लैक स्पॉट चिन्हित कर उनके समाधान के लिए सड़क एवं जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया। जिला मुख्यालय के अग्रणी योजना के पास एक्सीडेंट पॉइंट बन चुकी चढ़ाई को भी 5 फीट नीचे तक किए जाने के ने संसद में निर्देश दिए। सांसद ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के आधार पर जिले के हाईवे पर इस तरह के पॉइंट चिन्हित कर उनका समाधान किया जा रहा है। हॉस्पिटल वालों ने दिया, हम 24 के साथ आदमी जाने को कोई तैयार नहीं है, वो भागी उन जगह हम नहीं जाएंगे। फिर पुलिस वालों ने हमारा सहयोग दे के उनको बुलाया, फिर उनको गाड़ी बिठाया, हमारा एक आदमी गाड़ी में बैठा। अरे इनका तो ये मोटिव है कि किसी और को एक्सीडेंट नहीं हो, मैं तो बच गया। निश्चित होते सर, आप किसी को भूल लो कितने चूरू का जो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का एक बढ़िया एक हाईवे बन रहा है, उस हाईवे के अंदर अभी हाल ही में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नोटिस बात की ली है कि जो नेशनल हाईवेज पर हाईवेज के ऊपर इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, उसी के लिए एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की चेयरमैनशिप में कमेटी का गठन भी किया गया है जो जिले के अंदर जो डार्क स्पॉट्स हैं, ब्लैक स्पॉट्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करके उनको एलिमिनेट करने की प्लानिंग करेगी। उसी के तहत हमने जब देखा कि जब इतने रोड अच्छी बन रही है तो इसमें ये जो हाइट थी यहाँ पे अपनी आपनी योजना के आगे इसको कम किया जाए, वरना क्या है कि जो इस तरह ट्रैफिक आएगा तो आगे इसमें दिखता है नहीं तो एक्सीडेंट होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं और चूरू के अंदर काफी एक्सीडेंट्स मोटरसाइकिल्स पे यहाँ पे हुए भी पहले भी। तो इसी मकसद से मैंने प्रोजेक्ट डायरेक्टर इनको और चीफ इंजीनियर जो हमारे एससी हैं पीएचडी के उनको बुलाकर आज ये जो पाइपलाइंस क्रॉस हो रही है इसको पॉइंट को कम करने के लिए ही एक मीटिंग को बुलाया था कि साइट वेरिफिकेशन भी कर लें और देख लें कि कितना कम कर सकते हैं ताकि विजिबिलिटी पूरी मिल जाए। विजिबिलिटी मिल जाए क्योंकि हाईवे इतना बड़ा बन गया, लोग ट्रैफिक तेज आएंगे और दिखे कुछ नहीं करते, एक्सीडेंट होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो उसी संबंध में प्रोजेक्ट डायरेक्टर से बात भी हुई है, उसको ये 4 फुट 5 फुट के नीचे हमारी 900 mm की पाइपलाइन है मेन अपनी योजना की, उसको ध्यान में रखते जितना कम हो सकता है सब कम करेंगे और पीछे से कुछ थोड़ा बनाव बढ़ा के एक लेवल पे लाने का मकसद से काम किया है ताकि एक्सीडेंट्स को हम कंट्रोल कर सके और मिनिमाइज कर सके। सर ये कब तक काम शुरू हो जाएगा और कब काम लोगों लगभग हमारी ये रोड भालेरी चूरू गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की सबसे बड़ी अपनी अधीन है। हमारे जिले में 2 बड़ी रोड आई थी, भालेरी चूरू और लुंकन से सरदार शहर, दोनों रोडों काम ये लगभग काम कंप्लीट है, शहर में भी काम चल रहा है और मैं समझता हूँ कि अभी इसका आज परमिशन दे देंगे एससी पीएचडी वर्क के तो जल्दी काम चालू करके ये इसका फिलिंग करेंगे, कटिंग करेंगे और एक लेवल लाने की बात करेंगे। ठीक।